नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अवैध बालू लदा ट्रैक्टर वाहन को गोलबंद, ग्रामीणों ने पकड़ा, दबंगई से छुड़ा ले गए माफिया, नजर बंद रखा स्थानीय प्रशासन। केतार प्रखंड से पुरुषोत्तम प्रसाद की रिपोर्ट। गढ़वा में केतार थाना क्षेत्र में इन दिनों बालू एवं पत्थर माफिया सक्रिय हो गए हैं, जिसे लेकर विभिन्न गाँव में अवैध बालू लोडिंग कर जा रहे ट्रैक्टर वाहन को ग्रामीण रोककर हंगामा करते नजर आ रहे हैं। परंतु ग्रामीणों को स्थानीय प्रशासन की सपोर्ट नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों में असहजता दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उत्खनन माफियाओं द्वारा कभी भी भुगतना पड़ सकता है। बालू माफिया एवं ग्रामीणों के बीच कभी भी खूनी संघर्ष होने की अंदेशा लगाया जा रहा। उक्त ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन उत्पन्न मामले को सुलझाने के बजाय मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसा ही मामला बुधवार को दो अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। पहला मामला बक्सीपुर पंडा नदी का है, जहां बालू माफियाओं द्वारा उत्खनन कर ले जा रहे ट्रैक्टर को गोलबंद ग्रामीणों ने पकड़ा। इस दौरान माफिया एवं ग्रामीणों में कड़ी नोकझोंक के साथ हाथापाई भी हुई और अभी भी दो पक्षों में भारी तनाव बना हुआ है। दूसरा मामला उसी दिन रात्रि 3 बजे का है, जहां बलीगढ़ पंचायत के खूनहर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा नदी से उत्खनन कर जा रहे विनोद साह एवं राजेश गुप्ता का दो अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को ग्रामीणों ने गोल बंद होकर घर दबोचा और प्रशासन सहित मीडिया कर्मी को सूचना दी गई। मीडिया समय घटना स्थल पर पहुंच मामला को कवर किया, परंतु प्रशासन को समय से नहीं पहुंचने के कारण बालू माफिया दबंगई के साथ ग्रामीणों पर जानलेवा हमला करते हुए भागने में सफल रहे, जिससे स्थानीय ग्रामीण अकेंद्र सा पिता गणेशा सा जख्मी हो गए और वहीं ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए वाहन भाग जाने के बाद पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंची, जहां देख ग्रामीण गौतम कुमार गुप्ता, योगेंद्र साह, मुच्छेंद्र साह, गुलाब चंद साह, सनोज प्रसाद गुप्ता, अभिनंदन कुमार गुप्ता, मानी लाल कुमार गुप्ता, राहुल कुमार गुप्ता सहित सैकड़ों आक्रोशित हो गए और प्रशासन की मिलीभगत होने का आरोप लगाने लगे। क्षेत्र के ग्रामीण प्रशासन का सपोर्ट एवं उदासीन रवैये के कारण काफी आक्रोशित है। वहीं ग्रामीण जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक गढ़वा से मामला को जांच करते हुए न्याय की गुहार लगाई। इस मामले में क्या कहते हैं SDO आलोक कुमार। दूरभाष के माध्यम से बात होने पर उन्होंने बताया कि प्रखंड क्षेत्र का यह घटना काफी चिंतनीय और दुखद है। इस मामले को जांच कर नियम संगत आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई होगी। उसमें स्पष्ट मेरा कहना है कि थाना प्रभारी को मैं लेटर के द्वारा भी मैंने अथोराइज किया हूँ कि जो भी बालू खनन अवैध रूप से हो रहा है उसको जब्त करके सारा विस्तृत विवरण के साथ मुझे सूचित करें, उसके आधार पर मैं कार्रवाई करूँगा। जी जी, वहाँ पे प्रशासन नहीं पहुँचने से, अंचल विभाग के CO साहब के नहीं पहुँचने से अगर वो गाड़ी भाग जाते हैं और किसी को नहीं, कोई तो कोई इसके लिए थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है, थाना प्रभारी इसके लिए जिम्मेवार है। थैंक यू सर। रोके थे? अच्छा, काहे के लिए? मतलब गाँव में ही रहने के लिए। अच्छा, तो क्यों छोड़ दिए? इन लोग का छोड़ा गया नहीं, इन लोग बलजावड़ी छोड़ के ले गए। बलजावड़ी प्लट के भाग गए इन लोग? उन लोग आगे वहाँ रोका गया था गाड़ी, वहाँ डायरेक्ट उन लोग पार करके ले चले। अच्छा, क्या नाम है आपका? गौतम कुमार गुप्ता। घर कौन? और देखिए ऐसा नहीं होता, देखिए है क्या चीज। कई बजे प्रशासन को फोन किए थे आप? प्रशासन को 4:30 बजे के लमसम आसपास में फोन किए थे। अच्छा, क्या बोले प्रशासन से? फोन नहीं रिसीव किया, फोन नहीं रिसीव किया। मान लीजिए हम भरने किए हैं और अगला आदमी भी किया था। अच्छा, तब क्या बात हुआ? काहे के लिए आप लोग यहाँ खड़ा है? काहे के लिए कि बालू मैं गांव से गांव जा रहा था, गांव का चीज रहा था। मान लीजिए अपना सियान में काम चल था, टोला से हो रहा था। मान लीजिए बगल में चचरिया है, खरौनी है, वहाँ चौरिया है, वहाँ से अगल बगल हो सकता है, मंजिल हो सकता है सियान पर, उससे आगे तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नाम है ठीक है। मतलब बालू का गाड़ी पकड़े थे आप लोग? हाँ, पकड़े थे। और 4 बजे फोन किए थे ना? हाँ, 4:30 बजे। नाम क्या है आपका? जगनारायण प्रसाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज।